शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की। अब इस पूछताछ ने आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी साजिश के तहत सिसोदिया को परेशान कर रही है और बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाला करने वाले खुद को देशभक्त बता रहे हैं। रिपोर्ट देखें। सुना होगा आपने धर्मपथ, कर्मपथ, राजपथ, अग्निपथ भी सुना होगा, लेकिन जब सीबीआई पथ पर सिसोदिया का कारवां बढ़ा तो धर्म, कर्म, राज, काज, शहादत वाली बात का ऐसा मेल दिखा, शराब नीति घोटाले की पूछताछ में हर सियासी रंग का कॉकटेल दिखा। हाथों से तिरंगा लहराया, फिजाओं में देशभक्ति गीत छाया और कंधे पर भगत सिंह वाला पीला बाना भी नजर आया। यानी राजघाट तक के सफर में ऐसी झलक पेश की गई कि शराब घोटाले में सीबीआई की पूछताछ कट्टर ईमानदारी बनाम साजिश की तस्वीर सी बन गई। जब सुबह सुबह माथे पर तिलक लगाकर सिसोदिया घर से निकले तो ही यह साफ हो गया था कि सीबीआई की पूछताछ का असर दिल्ली की सड़कों पर छाएगा। हर ओर बीजेपी के खिलाफ विरोध का शोर नजर आएगा। लाव लश्कर के साथ जैसे जैसे सिसोदिया का कारवां सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़ा, दिल्ली की सियासत का ताप भी वैसे वैसे चढ़ा। कार्रवाई के बीच सिसोदिया ने खुद को निडर बताया, सीबीआई के पूरे एक्शन को गुजरात चुनाव में बीजेपी का डर बताया। ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा तो लोगों के स्कूल बनने की उम्मीद और मजबूत होगी। मैं जब गुजरात गया गुजरात के लोगों ने मुझसे यही कहा कि दिल्ली की तरह हमारे भी स्कूल बनवा देना, हम इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले। सीबीआई दफ्तर पहुंचने तक कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। जोरदार नारेबाजी से सिसोदिया का जोश बढ़ा रहे थे और इस जोश में सिसोदिया शहीदों की कुर्बानी याद दिला रहे थे। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच असल बात तो शराब नीति के घोटाले से जुड़ी है, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ चली है। तमाम छापों के बाद सीबीआई ने सबूत जुटाए, जिसके चलते सिसोदिया सीबीआई दफ्तर तक आए। सीबीआई की कई छापेमारी और 3 करीबियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मनीष सिसोदिया से सीधी पूछताछ हुई है। अब इसे लेकर दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त तनातनी है। आम आदमी पार्टी पूरी कार्रवाई को गुजरात चुनाव से जुड़ा बता रही है तो बीजेपी शराब नीति के नाम पर घोटालों का पूरा हिसाब गिना रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। कि ये जश्ने भ्रष्टाचार है, दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए।
जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। शराब नीति घोटाले की जांच के आदेश के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, घोटाले की तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं। अब सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो हम लोग का नया दौर शुरू हुआ। जो भी बीजेपी में शामिल होता है, सारी सीबीआई, सारा ईडी, सारी जांच एजेंसियां कहती हैं, बस बहुत बहुत आशीर्वाद देते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भाजपा में आ गए, अब आप भ्रष्ट नहीं है। भगत सिंह जी को लेकर वो कह रहे हैं आज चुनाव में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लगा हुआ है गुजरात में, इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हो, तो करो गिरफ्तार।